हेलो गाइस एंड वेलकम बैक तो थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी रिगार्डिंग आस्था की फ़र्स्ट सैलरी अगर आप सबने नहीं देखी है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गो एंड वॉच की हमने उसकी फर्स्ट सैलरी आई उसने क्या क्या सरप्राइजेस दिए क्या क्या उसने बताया कि हाउ वॉज द एक्सपीरियंस वो कहाँ खर्च करने वाली है वो कैसे वो अपनी सैलरी को मैनेज करने वाली है तो डेफ़िनेटली आपको हो सकता है कुछ हिंट्स या क्लूज मिल जाएँ थोड़े से यूनिट ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाएँ उससे लेकिन अगर हम उससे रिलेट करें अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बात करी थी कि हमें अपनी सैलरी को कैसे डील करना चाहिए तो स्टार्टिंग विद हमें अपनी सैलरी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए वन फॉर एक्सपेंसेस अनदर वन इज फॉर लाइक सेविंग्स एंड द थर्ड वन इज फॉर इन्वेस्टमेंट लेकिन अगर हम तीनों में से कंपेयर करें तो, तो जो मेन होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ ऐसे छह तरीकों के बारे में जिसमें आप अप, अपना जो आपके पास जो भी अमाउंट है कम है ज्यादा है दैट डजेंट मैटर एट ऑल बट आप क्या और क्या और किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मैथड दैट इज डायरेक्ट इक्विटी और इन द जनरल वे वी कैन से एज इक्विटी शेयर्स सो इक्विटी शेयर्स वो होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी कैपिटल होती है अगर आप उसकी इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हो दैट मीन्स यू आर वन ऑफ द ओनर ऑफ दैट कंपनी तो डिपेंड करता है इक्विटी शेयर कितने रुपए का है फॉर एग्जांपल एक से दस रुपये का भी हो सकता है सौ रुपए का भी हो सकता है हज़ार रुपए का भी हो सकता है तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट होना पड़ता है ये चीज़ जज करने के लिए कि कौन सी कंपनी किस ग्रोथ पर है स्टेबिलिटी उसकी क्या है आगे उसके फ्यूचर पर्स्पेक्टिव क्या हैं तो हमें हमेशा इक्विटी शेयर में जंप करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंपनी का ग्रो मतलब लाइक किस वे में वो चल रही है उसका ग्राफ कैसा है क्योंकि ऐसे ही नहीं क्योंकि इक्विटी एक बहुत बड़ी रिस्क भी है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अगर कंपनी पता है आपने बिना देखे अगर इन्वेस्ट कर दिया और कल को पता चला कंपनी एकदम डाउन साइड चली गई तो आपका या, आपका इट्स लाइक like आपको शॉर्ट शॉर्ट मनी नहीं मिलेगा आपको पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही मिलता है तो इट मींस इफ़ द कंपनी इज गोइंग इन लॉसेज दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इन लॉसेज सो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जिन लोगों को इक्विटी शेयर्स में खेलने का uh, या यू नो नॉलेज है इक्विटी स्टॉक मार्केट के बारे में तो उन लोगों को ही ये चीज़ प्रिफर करनी चाहिए सो so, थोड़ा सा ये की एरिया है अगर हम देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो आप भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ सकते हैं क्योंकि देर आर सेवरल पीपल जो स्टॉक मार्केट का ही काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग गुड सो अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पर रिकर्निंग अपॉर्चुनिटी लोगों ने इसे ही बिजनेस बना रखा है तो फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स नाउ द सेकेंड वन इज म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो हाँ मुझे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना आई विल प्रेफर बिकॉज लाइक इसमें लॉक इन पीरियड होता है थ्री इयर्स का इफ आई वुड से कि इक्विटी शेयर्स में होता है जब तक कि कंपनी डिजोल्व नहीं हो जाती तब तक आप इक्विटी शेयर के पैसे निकाल नहीं सकते हो आप सिर्फ डिविडेंड या फिर जो प्रॉफिट आता है उसी के लिए ही एलिजिबल uh, होते हो बट वॉट इफ वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड इज अबाउट फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लाइक कोई भी ग्रोइंग आप बैंक के साथ या बहुत देर रात सेवरल कंपनीज़ हुआ आर प्रोवाइडिंग म्यूचुअल फ़ंड फैसिलिटी तो वो क्या करते हैं वो लोग सर्वे करते हैं वो लोग देखते हैं कि कहाँ कौन सी कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है तो वो जो आपका पैसा है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन सम ऑफ द कंपनीज़ और आपका जो अमाउंट है वो आप लॉक करवा सकते हो मिनिमम uh, जो लॉक इन पीरियड होता है वो थ्री ईयर्स का होता है मैक्सीम आप और आगे लॉक इन के लिए यू नो ऑप्ट कर सकते हो बट आई एज पर माई नॉलेज अगर किसी की एज सिक्सटी प्लस से ऊपर लाइक सिक्सटी इयर्स से ऊपर है तो उनका लॉक इन पीरियड कुछ नहीं होता है तो जो ये म्यूचुअल फंड होता है इसमें ये फायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होती है वो ज़्यादा होती है तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग अगर ग्रोइंग uh, एज में हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज थ्री इयर्स कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता लॉक इन का एंड अगर रिटर्न्स अच्छी हम एक्सपेक्ट कर रहे हो नाउ द नेक्स्ट इज एन पी एस दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम अभी नई नई एकदम से यू नो मार्केट में आ रही है लोगों के जान पहचान में आ रही है नेशनल पेंशन स्कीम इज ऑल्सो लाइक वेरी गुड ऑप्शन फॉर यंगर्स एंड द इवन द यू नो एडल्ट वंस बिकॉज अभी क्या होता है हम लोग अभी जो अर्न कर रहे होते हैं हमारे पास अर्निंग कैपेसिटी अभी ज्यादा होती है बिकॉज एट द टाइम हम ऊपर जाते रहते हैं और थोड़ा सा ओल्ड एज वाली अगर लाइक like, बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास वो पावर वो बूस्ट वो एनर्जी नहीं बचती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें सो so, उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं होते हैं या फिर अपनी जर जरूरत, जरूरतों को मीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना तो पार्ट पार्ट में फॉर एग्जाम्पल आप एवरी ईयर लाइक आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए सो दैट आफ्टर अ सर्टेन एज लाइक आफ्टर सिक्सटी ईयर्स आपको पर मंथ रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज आफ्टर सिक्सटी ईयर्स ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक रिटायरमेंट जा, एज आ जाती है तो लोगों की जो लाइक uh, बिजनेस like कोई करता है कोई सर्विस करता है तो उनकी जो रेगुलर अर्निंग्स है वो बंद होने लगती हैं तो उस चीज को स्टेबल करने के लिए बिकॉज हर किसी की लाइफ में एक्सपेंसिस तो चलते ही रहते हैं तो आप नेशनल पेंशन स्कीम में अभी से ही इन्वेस्ट अगर लाइक एट द एज ऑफ एटीन से अगर इन्वेस्ट आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल एटीन इयर्स बट अगर आप अर्ली एज से इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा और सेकेंड चीज़ नेशनल पेंशन स्कीम में आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारा टैक्स फ्री होता है जस्ट लाइक एल क्योंकि एल एक पुराना प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है लोग उसके बारे में जानते हैं बट इफ़ वी टॉक अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम तो ये अभी नया आया है बट लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक एल ओनली सी लेकिन इसमें शॉर्ट शॉर्ट लाइक आपको आगे जाकर फायदा ही होने वाला है तो आई वुड लाइक प्रेफर कि आप अभी भी टैक्स बचाइए और बाद में भी उसका बेनिफिट लीजिए तो नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो वन ऑफ द टैक्स सेविंग स्कीम तो आप क्या कर सकते हो हर ईयर लाइक उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि आप एवरी ईयर इतना ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक इट इज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड आप उतना ही हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कि जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक आप पाँच सौ रुपये से लेके लाइक like, ख फिफ्टी थाउजेंड तक आप कभी भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते कितना भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका जितना भी आपको पर या इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है ये बहुत अच्छा पॉइंट है पीपीएफ अकाउंट के साथ सो so, कोई भी अगर हर इंसान को पीपीएफ पी, पी, -पी अकाउंट खोलना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हर साल डेढ़ लाख रुपए जमा करना है या हर साल एक लाख रुपए जमा करना है आप अगर आपकी कम अर्निंग्स हैं तो आप एक साल में पाँच सौ जमा कर सकते हैं और किसी किसी टाइम ज़्यादा है आपके पास तो एक साल में आप एक लाख रुपये जमा कर सकते हैं तो इट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अर्निंग कैपेसिटी लेकिन थोड़ा सा एक जो मुझे फ्लॉ लगता है वो ये है कि आपका जितना भी अमाउंट है वो फिफ्टीन ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है तो फिफ्टीन ईयर्स थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है लेकिन अगर हम बात करें टैक्स सेविंग की तो जितना पैसा जमा कर रहे हो वो भी टैक्स सेव के लिए है और जितना इंटरेस्ट उस पैसे पर आ रहा है वो भी टैक्स सेव है तो लाइक टैक्स सेविंग के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप पंद्रह साल तक के लिए अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं चाहे कम या ज्यादा टोटली डिपेंड्स अपॉन यू तो पीपीएफ अकाउंट सबको ही ओपन करना चाहिए नाउ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज़ द फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट तो बचपन से ही होता है फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट बहुत सो मतलब लाइक इट्स लाइक ये नॉर्मल टर्म है हर कोई जानता है क्या कि आप बैंक में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है आप उसको एक फिक्स डिपॉजिट के लिए आप ब्लॉक कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग वन लाख रुपीज़ तो मैं देखूंगी ओके okay, कि मुझे कितने देर के लिए फिक्स डिपॉजिट बनवानी है या फिर उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है तो उसमें बस ये है आपका एक श्योरिटी शौर, ये रहती है कि हाँ ठीक है मुझे एक साल बाद फाइव परसेंट इंक्रीज होकर अमाउंट मिल जाएगा तो उसमें हमें नीचे जाने के चांसेस नहीं रहते हैं हमें हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि ओके अगर मैंने एक लाख रुपए जमा किया है तो मुझे नेक्स्ट ईयर एक लाख पाँच हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट अगर किसी को सेफ़ साइड खेलना है तो फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए ठीक है नेक्स्ट लास्ट सिक्स पॉइंट जो कि हाउस वाइज का फेवरेट है दैट इज़ गोल्ड अगर गोल्ड हमारा क्या होता है नेक्स्ट टू लाइक कैश हम डील करते हैं गोल्ड को क्योंकि वो बहुत लिक्विड होता है फॉर एग्जांपल अगर आज हम गोल्ड लेकर मार्केट में जाएंगे तो वो इजीली रीसेल हो जाता है तो रीसेल वैल्यू होने के कारण अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि राइट नाउ आई एम हैविंग मनी तो हम गोल्ड ले, ले लेते हैं और कुछ लोग आ, ऐसा नहीं करना चाहिए बट स्टिल कि फॉर एग्जाम्पल आप लो रेट में गोल्ड को परचेज कर रहे हैं हाई रेट में उस टाइम को सेल कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट्स भी जनरेट हो सकते हैं तो गोल्ड का प्राइस अगर देखा जाए तो दिन पर दिन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है तो गोल्ड इज ऑल्सो एन गुड एन ऑप्शन टू ऑप्ट एंड दिस इज फॉर यू नो हाउस वाइफ ओनली तो अगर मैं इन सब सारी आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक डिपॉजिट्स नेशनल पेंशन स्कीम इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड गोल्ड एनी अगर इन सबको कंपेयर करें कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप पूरा का पूरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना करें हमेशा अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करें लाइक फॉर एक्जाम्पल इफ अगर आपने एक लाख रुपए इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो कुछ आप फिक्स uh, डिपॉजिट में करिए कुछ आप म्यूचुअल फंड में करिए कुछ आप पीपीएफ में करिए एक जगह सारा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपने सारा पैसा इक्विटी uh, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और कल को पता चला वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा का पैसा ही रिटर्न मतलब आपको जीरो रिटर्न छोड़िए आप आपको नेगेटिव्स में आप चले जाएंगे तो इन उन रिस्क से बचने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना मेरा ये मतलब ऑप्शन है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि जितना भी पैसा है आप थोड़ा सा ब्रेक कर करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करिए अगर आपको और भी कोई अच्छी आ, स्कीम पता हो आपको और अच्छे वेज पता हो इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्टमेंट के तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली है आप और कुछ जानना चाहते हैं किसी भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, में तो काइंडली मेंशन इन दिस कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑलवेज टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर सेविंग्स